वेलकम फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि केमिस्ट्री गाइड पे स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो चीलेट पे है। चीलेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ये मेरा वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पे बनाया हुआ थर्ड वीडियो है। अगर आपने मेरे प्रीवियस दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। पिछले दो वीडियो मैंने वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक बारे में दो वीडियो बनाया था। तो आइए आज के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक है चीलेट्स। चीलेट्स आर द स्पीसीज स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर रिंग इन द स्ट्रक्चर। चीलेट स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर मेटल आयन को जब हम पॉलीडेंटेट लिगेंड से लिंक करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी कि से मतलब है वो लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो। जैसे कि बाइडेंटेट लिगेंड में दो डोनर एटम्स होते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड में तीन डोनर एटम्स होते हैं। तो जब हम किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड को मेटल स्ट्रक्चर मेटल आयन से लिंक करेंगे तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वो रिंग स्ट्रक्चर को ही हम चीलेट्स कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, कॉपर टू प्लस को जब हम टू इथिलीन डायमिन से रिएक्ट करेंगे तो मेरा ये चीलेट का फॉर्मेशन होगा। इथिलीन डायमिन एक बाइडेंटल लिगेंड है और इससे ये कॉम्प्लेक्स चीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो पॉलीडेंटल लिगेंड है इसे हम चीलेटिंग एजेंट कहेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है चीलेट के फॉर्मेशन का उसे हम चीलेशन कहेंगे। वो पूरा प्रोसेस चीलेशन कहलाता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन ए पेयर ऑफ फाइव मेंबर रिंग एंड दिस इज कॉल्ड चीलेट। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फाइव मेंबर रिंग से बना हुआ है। फाइव मेंबर रिंग से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पे एक रिंग है। दो रिंग इससे कॉम्प्लेक्स में दो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों रिंग फाइव मेंबर रिंग्स हैं। फाइव मेंबर में इसका एक CH2 NH2 Cu NH2 CH2 ये एक दो तीन चार पाँच मेंबर का ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। चीलेट्स में जो फाइव मेंबर रिंग्स होते हैं सिंगल बॉन्ड से बने हुए वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्टेबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट्स। कौन कौन से फैक्टर्स चीलेट के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला चीलेट इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय चीलेटिंग लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड सच एज इथिलीन डायमिन EDTA EDC आर मोर स्टेबल देन दोज फॉर्म बाय मोनोडेंटेट लिगेंड। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीडेंटेट लिगेंड से बनते हैं जिसमें चीलेट का फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोडेंटेट लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्स से। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें H2O NH3 H2O का NH3 का ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं इनसे बने हुए कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होंगे बाय पॉलीडेंटेट लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्सेस से। ये इन जो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है चीलेट लिंक्स के प्रेजेंट के चलते इसी को ही हम चीलेट इफेक्ट करते हैं। ये जो चीलेट रिंग प्रेजेंट है इससे जो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो बढ़ जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसे हम चीलेट इफेक्ट कहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें Ni2+ एक्वस में और 6NH3 को और NiNH3 का होल 6 2+ का फॉर्मेशन, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ये लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू Ni2+ और EN यानी कि इथिलीन डायमिन से जो रिएक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Ni EN3 2+ ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड इथिलीन डायमिन जो बाइडेंटेट लिगेंड है उससे चीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और इस चीलेट रिंग के फॉर्मेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे NH3 के केस में लॉग बीटा का वैल्यू 8.61 है और इथिलीन डायमिन के केस में लॉग बीटा वैल्यू 18.28 है। लॉग बीटा किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस लॉग बीटा से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग बीटा के वैल्यू से क्लियरली शो कर रहा है कि हमारा जो मोनोडेंटेट लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो लेस स्टेबल होगा बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के केस।
में जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा उससे। सेकंड फैक्टर जो चिलेट के चिलेट रिंग को इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ चिलेट रिंग। ग्रेटर नंबर ऑफ चिलेट रिंग इन ए कॉम्प्लेक्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितना ज़्यादा चिलेट रिंग किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की। अगर इसे हम ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर सी एन एस थ्री का होल फोर टू प्लस जिसमें जीरो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई भी चिलेट रिंग नहीं हुआ है वो सबसे लेस स्टेबल है। इसका लॉग बीटा वैल्यू 12.6 है। सी ई एन का होल ट्राइस टू प्लस में दो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका लॉग बीटा का वैल्यू 20.0 है, यानी कि ये मोनोटोन लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है जिसमें एक भी चिलेट रिंग नहीं है उससे ये ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। वहीं सी यू ट्राई ई एन टू प्लस में तीन चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पे लॉग बीटा का वैल्यू 20.05 है, यानी कि जैसे जैसे चिलेट रिंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ चिलेट रिंग। मेटल चिलेट्स जिसमें पांच मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे सिक्स मेंबर रिंग चिलेट्स से। पहला पॉइंट, जो मेटल लिगेंड जो फाइव मेंबर रिंग्स का जो चिलेट रिंग होगा, फाइव मेंबर रिंग का जो चिलेट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा सिक्स मेंबर चिलेट से, सिक्स मेंबर रिंग चिलेट से। लेकिन अगर सिक्स मेंबर चिलेट में डबल बॉन्ड या अनसेचुरेशन हो तो इस केस में सिक्स मेंबर चिलेट रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा फाइव मेंबर चिलेट रिंग से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले एसिटाइल एसिटो नेटो कॉम्प्लेक्स का, एसिटाइल एसिटो नेटो कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है इस डबल बॉन्ड के कारण इससे फाइव मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी सिक्स मेंबर रिंग के स्टेबिलिटी से, यानी कि सिक्स मेंबर रिंग का ये जो चिलेट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा फाइव मेंबर रिंग से। सो इस तरीके से हम चिलेट्स के ये तीनों फैक्टर चिलेट के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इन फैक्टर्स पे चिलेट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम क्या होगा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम कैसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो उसका हम नाम कैसे लिखें। हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले उसके जितने भी लिगेंड्स हैं उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम सेंट्रल एटम यानी कि अगर इस ये वाला एग्जांपल लें तो इसमें कॉपर का नाम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे उसके ऑक्सीजन स्टेट के साथ, फिर हम लास्टली उसके एनायन का नाम लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लें हम सी यू एन एस थ्री का होल फोर एस ओ फोर का, तो इसमें हम सबसे पहले टेट्रा एमीन लिखेंगे, चार एमीन ग्रुप है तो टेट्रा एमीन, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन उसके ऑक्सीजन स्टेट के साथ तो कॉपर सेकेंड, उसके बाद एनायन सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम, फिर लिगेंड, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स का, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा हेक्सामीन छः एन एस थ्री है, कोबाल्ट थर्ड सी ओ कोबाल्ट थर्ड फिर क्लोराइड, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन एक छूट गया है सी एल, तो ये हमारा
हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। अब से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो अगर हम CnH3 का होल 3 Cl का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हम कोबाल्ट के कोबाल्ट का जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट है उसको एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस NH3 का हो जाएगा 0 0 × 6 और यहाँ पे क्लोरीन 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो इज इक्वल टू 3। तो मेरा एक्स का वैल्यू हो जाएगा -3, एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन स्टेट है, थर्ड ऑक्सीजन स्टेट है। ऐसे ही हम टाइटेनियम Ti H2 को होल 6 Cl3 का भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो Ti H2 का होल 6 Cl3 के केस में हम टाइटेनियम के Ti के ऑक्सीजन स्टेट को एक्स मानेंगे प्लस 0 × 6 इज इक्वल टू -3। तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट हो गया इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 3 मेरा वैल्यू हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑक्सीजन स्टेट में है। आगे हम अब किस कौन से लिखेंगे का क्या प्रीफिक्स है वो देखेंगे। तो F- फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरीडो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरीडो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, Br- के लिए ब्रोमीडो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, OH- के लिए हाइड्रोक्सो प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, SO4- के लिए सल्फेटो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, NO2- के लिए नाइट्रो एन यूज़ करेंगे। यहाँ पे नाइट्रो एन इसलिए है क्योंकि यहाँ इस NO2 के केस में यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर आइटम है, अगर ऑक्सीजन डोनर आइटम होगा तो यहाँ पे हम नाइट्रो ओ लिखेंगे। Cn- के लिए साइनो यूज़ करेंगे, O2- के लिए ऑक्सो, O2-2- के लिए परऑक्सो, H2 के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, NH2 के लिए अमाइन, CO के लिए कार्बोनाइल, NH2 CH2 CH2, NH2 के लिए इथिलीन डायमिन, ये पॉलीडेंटल लिगेंड है तो उसको हम इथिलीन डायमिन से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर EN भी लिख सकते हैं, EN के रूप में भी ये यूज़ होता है, और C5H5N को हम पायरिडीन के पायरिडीन होगा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्राजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोजोनियम। ये सब जितने भी प्रीफिक्स है लिगेंड्स के ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप किसी भी लिगेंड किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं। सो इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा है नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम जो केटायन प्रेजेंट है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो उसका सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखेंगे, यानी कि इस अगर हम K4FeCl का होल 6 का अगर हम बात करें तो पहले हम पोटेशियम लिखेंगे जो हमारा केटायन है, पोटेशियम, फिर हेक्साक्लोरीडो 6 क्लोरीन है तो हेक्साक्लोरीडो, फिर Fe के लिए फेरेट थर्ड, यहाँ पर थर्ड इसका ऑक्सीजन स्टेट कर रहा है, तो हमेशा हम सेंट्रल एटम को उसके ऑक्सीजन स्टेट के साथ लेंगे। तो हमारा नाम हो गया पोटेशियम हेक्साक्लोरीडो फेरेट थर्ड, ऐसे ही हम बाकी भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। हमारा अगला है टॉपिक है नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो किसी भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम उसके लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे NH3Cl है तो यहाँ पे मेरा 2 लिगेंड है, ये NH3 3 है और ये Cl3 3 है,
यहाँ पे CONH3 का होल ट्राई Cl3 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे ट्राई एमीन ट्राई क्लोरीडो कोबाल्ट थर्ड। तो हमारा सबसे मैंने सबसे पहले हमारा लिगेंड का नाम आएगा ट्राई एमीन। एमीन इसलिए क्योंकि अगर अल्फ़ाबेटिक देखा जाए तो एमीन का ए पहले आता है, फिर क्लोरीडो का सी बाद में आता है। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे हम लिगेंड का नाम ट्राई एमीन ट्राई क्लोरीडो, फिर सिट्रोमेटल आयन का नाम उसके ऑक्सीजन स्टेट के साथ। तो मेरा नाम हो गया ट्राई एमीन ट्राई क्लोरीडो कोबाल्ट थर्ड। ऐसे ही हम बाकी भी न्यूट्रल एटम्स का नाम लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।